or Shalopula Udipur Amani Mutai Nogo Mutai Remani Ulo, Mutai Nog Aribu Hangaya, the Bukri Bay Nekia, or Shalopin Logi Tongo Modri Okra Pipla Kumadem, Tripra Potes Vijay Pinitam Pankra, Rajipota Charino Kubi Kubundo. Udipur Nikipli Angotalawa, Podunishamu, Mutai Koglamo Asuka, the Cotman Kutumukalaya, Cotman Kutumungo Boshaka, Tripra Hasibu Biji B, Berna Shamukaham Tanka, Abuni Ulo, Kaitam Jong, Mayo Biji B, Kamukalaka, play money by Kakam Yaparka, whatever Shaga, Mondribokra, Narendra Mudin, Tidurma by Biji B, North East or Hankanishamu Tanka, Hani Bagui, Bazitin Patro Tangir and Kabalka. Oshalo Bo Congress Day CP I am Bodoni Hamakok Shaka Boshaka Bad Hani CP I am Hujagi Tanga Abu Hakino Congress Bodoni Bobrin Tong Halo Hamia Lama Kozak Tombaka Bodoni Brodo Harti Janata Party in a Sandar Safalta Prat Kihe Ortino Istaropa 95% Sajada प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं यह भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की जीत है मैं त्रिपुरा की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा पहले विधानसभा के चुनाव शानदार सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली लोकसभा के चुनाव में दोनों पार्लियामेंट की सीट अकेली भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 50% वोट प्राप्त करके शानदार बहुमत से जीती और अब त्रिस्तरीय पंचायती राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली है आज मैं त्रिपुरा की इस पवित्र धरती पर आकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं आज मैंने मां त्रिपुर सुंदरी के भी दर्शन किए हैं सती मैया के दाहिने पैर का अंगूठा वहां गिरा था और मां के दर्शन करके मैंने अपने जीवन को धन्य माना है और मुझे प्रसन्नता है कि आज के दिन जब हरियाली अमावस्या भी है हजारों साल पहले से हम पर्यावरण को संवारने का पर्व इसको मानते हैं और मैंने भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम सब कार्यकर्ताओं ने मंदिर प्रांगण में ही वृक्षारोपण आज किया है क्योंकि पर्यावरण और धरती को बचाना है तो वृक्षारोपण जरूरी है मित्रों कांग्रेस ने केंद्र सरकार में शासन में रहते हुए यूपीए ने कांग्रेस की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के साथ त्रिपुरा के साथ भारी भेदभाव किया था नॉर्थ ईस्ट को न्याय नहीं दिया गया त्रिपुरा की चिंता नहीं की गई मुझे कहते हुए गर्व है त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब भाजपा की सरकार केंद्र में आई पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने वाजपेयी जी ने दो महत्वपूर्ण काम किए एक नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई विशेष फोकस किया नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर अकेले त्रिपुरा में 56 बार केंद्रीय मंत्री हमारी सरकार पहले नहीं थी सीपीएम की सरकार थी पहले लेकिन सीपीएम की सरकार रहते हुए भी हमें त्रिपुरा के विकास की चिंता थी और ये 56 बार केंद्रीय मंत्री त्रिपुरा पर त्रिपुरा में आए खाली हाथ नहीं आए कोई ना कोई सौगात लेके आए और आज जब नरेंद्र मोदी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री हैं हमारा स्पेशल फोकस है त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट
पिछले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए नॉर्थ ईस्ट को, और त्रिपुरा में भी हमारी जो पॉलिसी है त्रिपुरा के डेवलपमेंट की, उसको मैं हीरा मॉडल कहता हूं। मित्रों, पहले पुलिसिया राज था, अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पॉलिटिकल समाप्त कर दिया गया है, और विशेषकर ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान यहाँ की सरकार ने चलाया है, गांजा और बाकी ड्रग्स जो आने वाली पीढ़ियों को खोखली कर रहे थे, उस पर सख्ती से कार्रवाई की गई है, और त्रिपुरा में विकास के अनेकों काम प्रारंभ किए गए। मैं सरकार को इन अच्छे कामों के लिए बधाई देता हूं कि विदेशी घुसपैठिया अगर देश में है तो पहचान के वो बाहर किए जाएंगे, परिवारवाद जैसी चीजों को नकार दिया, और इसलिए कांग्रेस देखेंगे आप देश से साफ हो गई, और किसी ने समाप्त नहीं किया। सीपीएम जैसी पार्टियां जो केवल हिंसा पे भरोसा रखती थी, वो पार्टियां अब समाप्त हो गई है देश से। जातिवादी और परिवारवादी पार्टी पश्चिम बंगाल में भी जिस ढंग से ममता जी काम कर रही थी, पश्चिम बंगाल में भी सबक सिखाया गया। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन काम नहीं कर पाया, और जिसने जितनी गाली मोदी जी को दी उसकी उतनी बुरी हार हुई है। सोचते रहे कि कांग्रेस चलाने नहीं दे रहे, सिद्धरमैया जी ने सरकार नहीं चलाने दी, और कांग्रेस की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, पहले चौधरी चरण सिंह जी को बनाया प्राइम मिनिस्टर, 4 महीने में गिरा दिया, फिर चंद्रशेखर जी को बनाया गिरा दिया, ये जूनियर देवेगौड़ा भूल गए, सीनियर देवेगौड़ा को भी प्रधानमंत्री बना के गिराया था कांग्रेस, गुजराल साहब बनाए गिरा दिए। कांग्रेस का इतिहासिक धोखेबाजी का इतिहास रहा है, वहां भी सरकार गिरी तो कांग्रेस के कारण, और यहां भी गिरेगी तो कांग्रेस के कारण ही गिरेगी, क्योंकि आपस में इतनी लड़ाई झगड़े और अंतर विरोध है कि कब तक चलेगी हम नहीं कह सकते।